चैप्टर टू बेटा हमारे पास है इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर क्या बोल रहे बेटा, हमने चैप्टर नंबर वन में पढ़ा था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो या उसकी कुछ भी वॉल्यूम हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम मैटर बोलते थे। ठीक है, चैप्टर नंबर वन में हमने समझा था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं या उसकी कोई वॉल्यूम है, तो उसको हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर देते थे कि वो एक मैटर है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर टू क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर टू हमें यहाँ पे बोल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जितने भी मैटर होते हैं क्या वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब यहाँ पे प्योर का मतलब आपको पहले तो समझना पड़ेगा, ठीक है। ये प्योर आप जो हम जनरली प्योर वर्ड यूज करते हैं ना, ये वो नहीं है। प्योर का मतलब यहाँ पे कुछ और है। जैसे कि अगर आप ये देखो, अगर आपने कभी अपने घर में आया हुआ कोई घी का बॉक्स देखा होगा, तो उसके ऊपर ना लिखा होता है प्योर घी, या हिंदी में लिखा होता है शुद्ध घी। प्योर को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध, ठीक है। तो आपको उस पे ऐसा कुछ टर्म देखने को मिल जाएगी, प्योर घी या शुद्ध घी या प्योर मिल्क, ठीक है। तो ये प्योर और ये प्योर जो क्वेश्चन में आ रहे हैं यहाँ पे, या जो साइंस में प्योर का मतलब होता है, वो दोनों ही अलग होते हैं, ठीक है। इस प्योर घी का मतलब ये है कि ये घी में कोई भी मिलावट नहीं हो रखी है, कोई भी इसमें एडल्ट्रेशन नहीं हो रखी है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट होना, तो किसी भी टाइप की मिलावट नहीं हो रखी है, उसको हम प्योर मिल्क बोलते हैं या प्योर घी बोलते हैं। लेकिन साइंस में प्योर का मतलब क्या होता है, तो साइंस में प्योर का यहाँ पे मतलब होता है बेटा कि किसी भी टाइप की और कुछ भी छोटे छोटे जो मटेरियल उसके अंदर पाए जाते हैं वो भी इसमें ना मिले। जैसे कि बात करें हम मिल्क की, तो यहां पे लिखा हुआ है मिल्क जो है ना, वो एक प्योर मिल्क है। लेकिन क्या साइंस की लैंग्वेज में क्या वो एक्चुअल में एक प्योर मिल्क है, तो आंसर है नहीं बेटा। मिल्क के अंदर आपको देखो, मिल्क के अंदर तो वाटर भी होता है, मिल्क के अंदर तो फैट भी होते हैं, तो मिल्क के अंदर तो काफी सारी चीजें होती है, अलग अलग काफी सारे आपको सब्सटेंस मिल जाएंगे जो उस हाँ एंजाइम्स भी मिल जाएंगे इसके अंदर आपको, तो काफी सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो मिल्क तो यहाँ पे बेटा प्योर नहीं है, बट इन जनरल अगर हम बोलें तो ये कहेगा कि प्योर मिल्क। तो इसका प्योर मिल्क और साइंस के प्योर में क्या फर्क है, तो ये जो प्योर मिल्क लिख रहे हैं ना, इसमें प्योर का मतलब है कि इसमें किसी भी टाइप की एडल्ट्रेशन नहीं हो रखी है, किसी भी टाइप की मिलावट नहीं हो रखी है। लेकिन साइंस में प्योर का मतलब होता है कि उसमें किसी भी टाइप का कोई भी सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि हमारे आसपास जितने भी मैटर जो हैं वो क्या सारे प्योर होते हैं, या सारे या कुछ की अगर हम बात करें कि तो क्या वो प्योर होते हैं। तो आंसर अब हमें इस चैप्टर में जानना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना बेटा, हम इस चैप्टर को बिगनिंग से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पीछे से चालू करेंगे, ठीक है। उसका रीजन आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम पीछे से चालू करेंगे, पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं। पहला काम हम क्या कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं और फिर चलेंगे पीछे, और पीछे जाके समझेंगे कि पीछे से समझना चालू करेंगे कि जो भी हमारे आसपास मैटर होते हैं क्या वो प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं, और अगर प्योर होते हैं तो किस कैटेगरी में आएंगे, इम्प्योर होते हैं तो किस कैटेगरी में आएंगे, वो सारी बातें हम इसको पीछे से पढ़ना चालू करेंगे। जल्दी से पहले इसका हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हाउ डू वी जज वेदर मिल्क घी बटर सॉल्ट स्पाइसेस मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। कह रहे हम कैसे जज करेंगे कि हम जो भी मार्केट से लेते हैं, चाहे वो मिल्क लेते हैं, घी लेते हैं, बटर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, या स्पाइस, जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि क्या ये प्योर है या नहीं, इसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम इसके बॉक्स में पढ़ लेते हैं कि क्या उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रखी है, या उसके फ्लेवर या उसके टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है, या हमें उसके टेक्सचर से भी पता चल जाता है। जैसे मिल्क है, अब मिल्क का जो टेक्सचर होता है काफी थिक थिक होता है, थोड़ा क्रीमी फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसमें पानी मिला दिया जाए तो वो तो पूरा का पूरा साफ पानी की तरह लगता है, और काफी उसका जो टेक्सचर होता है काफी थिन हो जाता है, बिल्कुल भी थिक नहीं रह जाता वो। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये प्योर है या नहीं, बट साइंटिफिकली क्या मतलब है इसका। तो चलते हैं नीचे और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल। ऊपर जो उससे कंज्यूमेबल बता रखे हैं, जैसे कि सॉल्ट बता रखे है और घी बता रखे है और मिल्क बता रखे है। कह रहे क्या आपने कभी उस पर प्योर वर्ड नोटिस किया है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एक आम इंसान की लैंग्वेज में बोला जाए ना, तो प्योर वो चीज होती है बेटा जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होती। एडल्ट्रेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जैसे कि पानी की मिलावट हो जाना या किसी केमिकल की मिलावट हो जाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो प्योर होता है। हम आम लोगों की
सेंस में अगर हम बात करें तो, बट फॉर अ साइंटिस्ट, लेकिन अगर एक साइंटिस्ट बात करे या एक ऐसा इंसान बात करे जिसको साइंस की नॉलेज है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर. अगर एक साइंटिस्ट से अगर हम बात करें ना कि क्या ये जो घी है क्या वो एक्चुअल में प्योर है, तो वो बोलेगा कि नहीं, ये एक्चुअल में प्योर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी और अलग अलग टाइप के सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं. जैसे कि मिल्क का बता रहे हैं, कह रहा है मिल्क का अगर हम बात करें तो मिल्क एक्चुअली आ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. तो मिल्क जो है एक्चुअल में सिर्फ मिल्क नहीं है, मिल्क के अंदर पानी भी है, फैट भी है, प्रोटीन्स भी है. सो व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मींस दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. तो कह रहे हैं अगर साइंटिस्ट कभी किसी चीज को बोल देगा ना कि ये प्योर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस आइटम के अंदर जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी उसके पार्टिकल्स हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स उसके अंदर मिल रहे हैं, वो सभी के सभी सेम नेचर के हैं, सभी के सभी सेम केमिकल नेचर के हैं, तभी वो प्योर हो सकते हैं, अदरवाइज वो प्योर नहीं हो सकते. तो अगर कोई कहता है कि मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है, तो कॉमन लैंग्वेज में यस, मिल्क एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है, अगर उसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो रखी हो तो हो सकता है. बट एक साइंस की लैंग्वेज में बोले तो नो बेटा, मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है. क्या एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है? एक प्योर सब्सटेंस साइंस की लैंग्वेज में वो ही हो सकता है जिसको अगर मैं ब्रेक भी करूं तो ब्रेक करने के बाद भी वो वही चीज रहे. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक प्योर सब्सटेंस है. अगर आप ऑक्सीजन को ब्रेक करते हो तो ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है. अरे ब्रेक करने का मतलब वो वाला ब्रेक करना नहीं होता यार, ब्रेक करना मतलब केमिकली रिएक्शन करके ब्रेक करने की अगर हम कोशिश करें तो उसको आप ब्रेक करके ऑक्सीजन ही हमें ऑब्टेन होने वाला है. इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बेटा, हाइड्रोजन ले लो या किसी भी टाइप के एलिमेंट्स ले लो, जैसे कि आपके मेटल हो गया या किसी भी टाइप का नॉन मेटल हो गया, आप कोई भी ले लो, ठीक है. वाटर भी होगा, अभी बाद में इतना ज़रा डीप में एकदम से नहीं जाएंगे. तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो या किसी भी टाइप का मेटल ले लो, एल्यूमिनियम ले लो या आप गोल्ड ले लो, ये सारे के सारे जो है ना आपके क्या है यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके प्योर सब्सटेंस है. क्योंकि अगर आप इनको ब्रेक करोगे तो आपको यही चीज जो है ना मिल जाएगी. मतलब ब्रेक करने का मतलब है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू. अब ब्रेक करने का मतलब आपने ये नहीं कि आपने इसको हैमर मारा और हैमर मार के ये इसके दो पीस हो गए और आपने कहा देखो मैंने तोड़ दिया तो ये मतलब दोनों गोल्ड ही है, तो ऐसा नहीं है. केमिकल रिएक्शन करके ब्रेक होने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है. तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन आ रही है प्योर सब्सटेंस की. कह रहा है अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एक प्योर सब्सटेंस बेटा वो सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के. जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में जितने भी पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स क्या होते थे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, पार्टिकल्स क्या होते थे. जैसे एक ये मैटर है, तो मैटर किससे बनता था, पार्टिकल्स से बनता था, ये हमने पढ़ा था, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता था. तो वो कह रहा है प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे के सारे सेम नेचर के होंगे, तो वो आपका एक्चुअल में एक प्योर सब्सटेंस होगा. ये साइंस की लैंग्वेज में बोल रहे हैं हम, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में नहीं बोल रहे. इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. वो कह रहे हैं एक अदर वर्ड्स में बात करें तो एक सब्सटेंस होना वो ही प्योर सब्सटेंस होगा जो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से मैटर का होगा, यानी कि एक सिंगल फॉर्म ऑफ सिंगल उसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, वही एक प्योर सब्सटेंस हो सकता है, अदरवाइज कोई और सब्सटेंस प्योर नहीं हो सकता. आगे देखते हैं. As we look around, we can see that most of matter around us exists as mixture of two or more pure components. For example, seawater, mineral, salt, etc. are all mixture. लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो मोस्टली हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है ना वो मिक्सचर में होती है. मिक्सचर मतलब ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा प्योर कॉम्पोनेंट से मिलकर बनी होती है. अब प्योर कॉम्पोनेंट कौन कौन सी होती है अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, अभी दो मिनट बाद डिस्क्लोज करूंगा इसको. तो यहां पे कह रहे हैं कि जो मिक्सचर होता है बेटा ये वो सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं. जैसे कि सी वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सारे आपके क्या है, मिक्सचर हैं. अब ये प्योर कंपोनेंट्स होते कौन से हैं? तो ये प्योर कंपोनेंट आपके दो हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड. अब ये दोनों क्या चीजें होती है अभी डिस्कस करेंगे. तो यहां पर हमारे पास इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आ जाता है. So, देखो बेटा इसमें यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आपके पास एक चार्ट है जिसको हमें यहाँ पे समझना है. सबसे पहले आपको दे रखा है ऊपर मैटर. अब मैटर किस टाइप के होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मैटर जो है वो सॉलिड नेचर का भी हो सकता है, वो गैस नेचर का भी हो सकता है, मतलब कि गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है और वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. बट अब यहाँ पे
इस चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है, इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि ये जो सॉलिड या ये जो गैस या ये जो लिक्विड नेचर का या लिक्विड फॉर्म का जो सब्सटेंस है, क्या वो एक प्योर सब्सटेंस है या क्या वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो यहां से मैटर की हमारी दो कैटेगरी निकलती है, एक निकलती है प्योर सब्सटेंस की और एक निकलती है इम्प्योर की। देखो यहां पे इसने मिक्सचर लिखा हुआ है क्योंकि इम्प्योर की एक ही कैटेगरी है, मतलब इम्प्योर के अंदर एक ही कैटेगरी आती है एंड दैट इज मिक्सचर, तो इसलिए इसने सीधा सीधा मिक्सचर वर्ड यूज करा हुआ है, ठीक है। बट है क्या ये एक इम्प्योर सब्सटेंस। अब हमें यहां पे आज की जो क्लास रहेगी वो इम्प्योर सब्सटेंस पे नहीं रहेगी, तो हम मिक्सचर के ऊपर कोई बात ही नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे। हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ आज फोकस करना है कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं। मीनिंग हम पीछे क्लियर करके आ चुके हैं, मीनिंग होता है प्योर सब्सटेंस का कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं उसको ब्रेक भी करूं तो भी मुझे वही चीज मिले जो वो थी। अब देखते हैं इसमें यहां पे क्या बोल रहा है प्योर सब्सटेंस के अंदर। तो अब अगर हम बात करें इसको फर्दर, अगर हम डिवाइड करें तो प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम यहां पे एक एक करके जानने वाले हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास डिटेल में नहीं है, यहां पे आपको शॉर्ट में दिया हुआ है। मैं शॉर्ट में पहले आपको क्लियर करूंगा और फिर डिटेल में हम प्रीवियस पेज पे चलेंगे, जो भी इससे पहले वाले पेजेस होंगे वहां पे जाके हम इसमें समझेंगे इसको डिटेल में। तो पहले तो समझते हैं कि एलिमेंट किस टाइप का प्योर सब्सटेंस होता है। तो देखो एलिमेंट वो टाइप का प्योर सब्सटेंस होता है जो अनब्रेकेबल होता है, यानी कि जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। ब्रेक करना, फिर से बोल रहा हूं बेटा, ब्रेक करने का मतलब यहां पे केमिकली ब्रेक करने की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन को ब्रेक करूं तो भी मुझे ऑक्सीजन ही ऑब्टेन हो, आप ऐसे समझ लो। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं, तो मतलब वो जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके प्योर होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सभी टाइप के मेटल्स आ जाते हैं, सभी टाइप के नॉन मेटल्स आ जाते हैं और सभी टाइप के मेटलॉइड्स आ जाते हैं। अभी पढ़ेंगे ये क्या क्या चीजें होती हैं। सभी टाइप के मेटल्स इसमें आ जाते हैं, सभी टाइप के नॉन मेटल्स इसमें आ जाते हैं और सभी टाइप के मेटलॉइड्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर मैं और फर्दर ब्रेक करने की कोशिश करूं तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक है। वाटर है, अगर मैं वाटर को ब्रेक करता हूं तो वाटर किसमें ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मेरी बात को ध्यान सुनना, वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये जो वाटर है क्या ये एलिमेंट है? नहीं बेटा, ये एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये ब्रेक हो गया। जो सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा वो आपका एलिमेंट नहीं होगा। वाटर क्या होता है, H2O, किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो क्या ये ब्रेक हो सकता है? यस, ये ब्रेक हो सकता है अगर हम यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करें, यानी कि अगर हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो यहां से हमें दो गैसेस मिल सकती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस, वो हो जाएगा। तो क्या वो एक एलिमेंट है? तो आंसर है नहीं बेटा, वो एलिमेंट नहीं है। लेकिन इससे जो दो हमें चीजें मिल रही है ना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये क्या फर्दर ब्रेक हो सकती है? नहीं हो सकती। हाइड्रोजन को अगर मैं फर्दर ब्रेक करूं ये नहीं होगा, ऑक्सीजन को मैं फर्दर ब्रेक करूं ये नहीं होगा। तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हो सकते हैं? आंसर है यस। तो अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे सब्सटेंस जिसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं और अगर वो ब्रेक ना हो तो वो ही सिर्फ एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और दोनों हमारे ब्रेक नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। जबकि पानी की अगर मैं बात करूं, यानी कि H2O की बात करूं, तो वो क्या है बेटा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है इसलिए वो ब्रेक हो सकता है, तो वो एलिमेंट नहीं होगा। तो बस एलिमेंट का मीनिंग यही है, उसको पढ़ लेते हैं। कह रहे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस, अगर हम इसको और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना चाहें तो ये नहीं होगा, ये उतना ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। ये एग्जांपल के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी एक्सेट्रा, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक प्योर सब्सटेंस है। ये हो गया पहला। अब इसकी यहां पर दूसरी कैटेगरी भी आती है, दूसरी कैटेगरी आती है कंपाउंड की। तो ये कंपाउंड क्या होते हैं फिर, क्योंकि एलिमेंट तो ऐसे हो गए जो एक ही जैसे हैं, जो सारे एक ही पर्टिकुलर पार्टिकल से बने हुए हैं, कॉमन पार्टिकल से बने हुए हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं बेटा जो टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ध्यान सुनो मेरी बात को,
कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं बेटा जो टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट क्या था? प्योर था। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी प्योर में आ रहा है क्योंकि ये दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है ना बेटा वो फिक्स्ड होती है। कॉम्पोजिशन फिक्स होने का क्या मतलब होता है? कॉम्पोजिशन फिक्स होने का मतलब होता है कि जैसे दो चीजें चाहिए, जैसे पानी है, पानी का फॉर्मूला है H2O, इसमें दो चीजें क्या आ रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन की यूनिट आ रहा है दो और ऑक्सीजन का यूनिट आ रहा है एक। तो हमें अगर इसकी कॉम्पोजिशन करनी है, अगर कॉम्पोजिशन यानी कि इसको बनाना है इन दोनों से, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं ना, अब ये क्या होते हैं या थर्ड चैप्टर में जानोगे, बस अभी आप ये वर्ड्स को सुन लो। जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना उसकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी, उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड ही रहेगी। जैसे कि H2O के अंदर अगर आप पानी के अंदर देखोगे तो ये आ रहा है H2O, तो पानी H3O नहीं होता। अगर H3O करोगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा, फिर ये पानी नहीं रहेगा, फिर ये कुछ और हो जाएगा। या अगर आप कहो कि H4O कर दूं तो ये भी कुछ और बन जाएगा, ये पानी नहीं रहेगा। तो इसलिए इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है। यानी कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेरे को पानी बनाना है तो हाइड्रोजन की दो यूनिट चाहिए होंगे और ऑक्सीजन का एक। और अगर मैं हाइड्रोजन के दो के चार यूनिट कर देता हूं तो फिर मुझे ऑक्सीजन के भी एक के बढ़ा के दो यूनिट करने पड़ेंगे, तब जाके होगा वो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं हाइड्रोजन के दो यूनिट के बदले चार यूनिट ले लेता हूं तो फिर मुझे ऑक्सीजन के भी एक के बदले दो यूनिट लेने पड़ेंगे, तब जाके वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर आप हाइड्रोजन को दो के बदले तीन ले लेते हो और ऑक्सीजन को सिर्फ ओ ही रहने देते हो, बस एक ही, तो फिर ये वाटर नहीं होगा, फिर ये कुछ और ही होगा। तो कंपाउंड कौन से प्योर सब्सटेंस है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ये इन दोनों के मिलने से क्या होता है बेटा? फॉर्म होते हैं। और इसके अंदर कॉम्पोजिशन भी क्या होता है इनका? फिक्स्ड होता है। यानी कि अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन की बात करो कि ये कैसे बनाए जा रहे हैं, तो इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो डल रहे हैं इसके अंदर, उनके जितने भी एटम्स इसमें चाहिए होंगे ये उतने ही उसमें ऐड करते हैं, तभी ये बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे कि वाटर जो है, एक हमारे पास कंपाउंड है तो इसमें वाटर में एच के दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं या दो एटम्स, काइंड ऑफ एक ही बात होती है अभी के लिए, वैसे एक बात नहीं होती है, वैसे अभी समझने के लिए एक ही बात मान लो। और ऑक्सीजन के हमें एक चाहिए होता है, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इनका फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। और अगर मैं इसको चाहूं तो इसको ब्रेक भी कर सकता हूं, लेकिन केमिकली कर सकता हूं, फिजिकली नहीं कर सकता। फिजिकली का मतलब है कि बस मैंने अपने हाथ लिए और हाथ से उसको सेपरेट कर दिया, तो ऐसे नहीं। केमिकली मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मैं इसको सेपरेट करना चाहूं तो कर सकता हूं। जैसे कि पानी है, तो पानी में से मैं आपको अगर कहूं कि बेटा अपना हाथ लगाओ या कुछ भी ऐसा करो, अपना हाथ पैर लगाओ और इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो, क्या ऐसी आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको केमिकल तरीके से करना चाहो, अगर आप इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल दो और इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, तो यस, फिर ये ब्रेक हो सकता है, फिर हाइड्रोजन अलग हो सकता है और ऑक्सीजन अलग हो सकता है। तो इसका मतलब कंपाउंड को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन केमिकली, फिजिकली नहीं कर सकता। अपने हाथों वगैरह से नहीं कर सकता कि अगर मैं चाहूं कि कोई केमिकल रिएक्शन भी ना करूं और बस अपने हाथों से अलग कर दूं। जैसे कि मान लो एक सैंड है और सैंड के अंदर मैं इसमें मेटल गिरा देता हूं कुछ, तो क्या अपने हाथों से मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। मिट्टी के अंदर अगर मैं मेटल गिरा देता हूं, यानी कि कुछ भी लोहे का कुछ सामान गिरा देता हूं, तो मैं इसको अपने हाथों से अलग कर सकता हूं, ये फिजिकली होता है। लेकिन क्या ऐसा पानी के साथ हो सकता है कि आपको मैं कहूं कि पानी के अंदर हाथ डालो और ऑक्सीजन गैस को अलग कर दो और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दो? ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। तो अगर इसको करना है ब्रेक, तो आप इसको केमिकली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड। अब इसका भी मीनिंग पढ़ लेते हैं। यहां पे कह रहे हैव फिक्स कॉम्पोजिशन। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ये कैसा होता है? फिक्स होता है। यानी कि अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो जितनी जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी ना अलग अलग एलिमेंट्स की, उतनी ही क्वांटिटी इसमें डलेगी, तभी ये बनेगा, वरना ये बनेगा नहीं, वरना ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कह रहे अगर आप इसको ब्रेक करके एलिमेंट अलग करना चाहो तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का यूज हो रहा है, ठीक है। और क्या कह रही है, किस में ब्रेक हो जाएगा? एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि पानी है, मैं बार बार इसी का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। जैसे पानी है, तो पानी को जब ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और ये दोनों क्या है? एलिमेंट्स ही तो है। और वही तो कह रहा है ऊपर, कह रहा है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, और ब्रेक करके ये किस में बदल जाएगा? एलिमेंट्स में बदल जाएगा, क्योंकि बना भी तो उन्हीं से ही है।
तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनेगा तो जब टूटेगा तब भी तो उन्हीं में आएगा वापस। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसकी एग्जांपल है वाटर, मीथेन। मीथेन हमारी गैस होती है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है, वार्म गैस होती है बहुत। और शुगर, सॉल्ट, ये सब आपके कंपाउंड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। यस बेटा, आगे बोल रहे हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आपके पास हेडिंग है यहाँ पे कि किस किस टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे एक हमारे पास एलिमेंट, सो बेटा इसमें क्या बता रहे हैं हमें, कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाई आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। तो कह रहे हैं कि इनके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसके बेसिस पे हम प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड, ठीक है। अब क्या है, एक एक करके यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट्स का, इसमें क्या बता रहे बेटा, रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 एंड एंटनी लॉरेंट लवोजर अ फ्रेंच केमिस्ट वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटल यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको दो लोगों के नाम बताए हैं, एक रॉबर्ट का और एक आपको यहाँ पे एंटनी का बताया गया। रॉबर्ट जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में इस एलिमेंट टर्म का यूज किया, इस एलिमेंट वर्ड का यूज किया। अब यहां से आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने इस एलिमेंट टर्म का यूज किया था, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब करा था 1661 में। और फिर जो एंटनी लॉरेंट लवोजर है जो कि फ्रेंच केमिस्ट है, उन्होंने सबसे पहली बारी इसको एक्सपेरिमेंटली इसका डिफाइन किया था, इसको डिफाइन किया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। अब क्या है यहाँ पे डेफिनेशन, इसको समझते हैं। कह रहे ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से आपकी इसकी डेफिनेशन क्लियर यहाँ पे हो रही है कि ये वो एलिमेंट है या वो सब्सटेंस है या वो मैटर है जिसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ सिंपलर सब्सटेंस में, तो मैं इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्योर सब्सटेंस है। तो इसको मैं और कितना ब्रेक कर लूंगा ना, ये तो प्योर है, इससे ज्यादा और प्योर हो ही नहीं सकता ये। तो ये आपका पहले यहाँ पे आ रहा है एलिमेंट का, कि एलिमेंट जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेटा जिसको अगर मैं फर्दर ब्रेक करना चाहूँ केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो ये ब्रेक नहीं हो सकता। चलते हैं आगे। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इंटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब एलिमेंट्स जो है ये तीन टाइप के हो सकते हैं, एक मेटल्स, जितने भी टाइप के मेटल्स हैं वो सारे आपके एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नॉन मेटल हैं अगेन आपके मेटल्स होंगे, सॉरी एलिमेंट्स होंगे, और जितने भी मेटलॉइड्स हैं वो भी आपके सारे एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 118 टोटल 118 ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं जो आपके एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अभी ये सारी बातें पढ़ लेंगे। आगे देखो, अब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो कह रहे हैं मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब नीचे हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं जिस जो कि जनरली सभी मेटल्स या मोस्टली सभी मेटल्स जो है ना होल्ड करते हैं, जैसे कि दे हैव अ लस्टर शाइन, यानी कि ये लस्टर हो सकते हैं, यानी कि ये शाइनी हो सकते हैं मेटल्स जितने भी होते हैं, ये सब आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, इनका जो कलर होता है वो या तो सिल्वरी ग्रे होता है या फिर गोल्डन येलो कलर का होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल दैट इज कैन बी ड्रॉन इन टू वायर, यानी कि ये ऐसे होते हैं कि अगर हम इसको वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये वायर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की वायर, कॉपर की वायर, तो ये सब आपका वो ये कॉपर एल्यूमिनियम क्या है, ये सब आपके मेटल्स है, एलिमेंट्स है, और अगर हम चाहें तो उसको हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टाइल। फिर कह रहे हैं दे आर मेलेबल दैट कैन बी हैमर्ड इन टू थिन शीट, मेलेबल इन नेचर का मतलब हो गया कि अगर हम चाहें तो अगर मैं इसको बीट करूं तो ये थिन शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर हम यूज करते हैं फूड वगैरह को रैप वगैरह करने के लिए, तो वो सब क्या है, वो एल्यूमिनियम का ही तो है जिसको बीट करके, हैमरिंग करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये मेलेबल इन नेचर होते हैं। दे आर स्नोरस दैट इज मेक अस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, और अगर हम मेटल को हिट करते हैं तो ये साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं,
किसी टाइप की, तो इसका मतलब ये स्नोरस इन नेचर भी होते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टी जनरली आपको मेटल्स में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे जिसमें नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस को इग्नोर कर देना है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होंगे जिनमें ये प्रॉपर्टी शायद नहीं होल्ड करते होगा, लेकिन स्टिल वो एक मेटल होंगे। जैसे कि सोडियम, सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम जो ना सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल मतलब कि वो हार्ड नहीं है। अगर हम चाहें तो सोडियम को ब्रेक, सोडियम को कट कर सकते हैं नाइफ से, ठीक है, चाकू से हम चाहें तो कट कर सकते हैं। इसी तरीके से मर्करी, मर्करी भी एक टाइप का मेटल है, लेकिन वो लिक्विड इन नेचर होता है, मतलब कि वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो आप इसको लेके ये मत सोचना कि सोडियम तो नहीं होता या मर्करी तो नहीं होता वैसा जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं और केमिस्ट्री तो एक्सेप्शंस से भरी हुई है, ठीक है। बड़ी क्लासेस में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सेप्शंस तो भरे पड़े हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो ये सब आपको मेटल्स यहाँ पे बता दिए हैं। कह रहे मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी एक ऐसा मेटल है कह रहा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये सारी आपके मेटल की प्रॉपर्टीज ने बता दी। चलते हैं नीचे नॉन मेटल की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं नॉन मेटल यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो जो नॉन मेटल होता है वो नीचे दी गई बातों में से जो भी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वो या तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं या फिर इसमें से कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। जैसे कि दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। जो नॉन मेटल होते हैं ना इनकी वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, या तो ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस क्यों होते हैं क्योंकि ये गैसेज होती हैं, और या फिर ये वैरायटी ऑफ कलर्स के होते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ना ही ये हीट को कंडक्ट करते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास देख लो, इसका ले लो आपका क्या कहते हैं आपका कोई भी गैस ले लो, जैसे ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, तो ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके नॉन मेटल हैं। इसी तरीके से आप अपने आसपास कोल ले लो, कोल होता है ना कोयला जिसको हम बोलते हैं, जो पत्थर की तरह लगता है, ब्लैक रॉक भी बोलते हैं उसको, काला पत्थर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कोल ले लो, ये सब आपके क्या नॉन मेटल से बने हुए हैं। तो नॉन मेटल होने की वजह से अगर आप इसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो ये नहीं करेंगे पास, ठीक है। फिर कह रहे जलता है वो, मतलब वो नहीं होता पास करने का मतलब होता है जैसे कि जैसे आपने पैन लिया तो पैन को अगर आप टच करोगे तो आपको गर्माहट वो फील होगी, क्योंकि वो जब उसको हम जला रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं हीट को, हीट एनर्जी को कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि पास करा रहे हैं। तो ये सब नहीं करेंगे, कोल तो खुद ही जलता है, ठीक है, बट कोल पास नहीं कराएगा। फिर इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, दे आर नॉट लस्ट्रस, ये लस्ट्रस यानी कि शाइनी नहीं होते, स्नोरस यानी कि ये कोई कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, और मेलेबल यानी कि अगर आप इसको बीट करके इसको थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहो तो नहीं होंगे ये थिन शीट में कन्वर्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल की होती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ये गैस है, ऑक्सीजन अगेन गैस, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमाइन, क्लोरीन, तो ये सब आपको यहाँ पे बता रखे हैं। ये सारे कुछ आपके क्या है नॉन मेटल्स हैं। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मेटलॉइड क्या होते हैं, तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास काइंड ऑफ दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी वो मेटल की होल्ड करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी वो नॉन मेटल की होल्ड करते हैं। तो दोनों का मिक्सचर होता ही जो आपका यहाँ पे मेटलॉइड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं इसके मेटलॉइड्स के, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये पेपर में आ सकते हैं, मोर टू नो वाले जो फैक्ट्स हैं ये आपको पेपर के लिए याद रखने बेटा, यहाँ से एमसीक्यू बन जाएंगे। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना आपको 100 से ज्यादा उसके बारे में आपको पता होगा, मतलब पता है जो प्रेजेंट है आज के टाइम पे। लेकिन अगर मैं आपको एक्चुअल नंबर बताऊँ तो ये है 118 एलिमेंट्स हैं जो हमें अब तक मिल चुके हैं, ठीक है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो है ना वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि नेचर से हमें मिले हैं, एंड द रेस्ट जो है ना वो आपके मैन मेड है, वो ह्यूमन ने बनाए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं नंबर्स। अब ये 118 वाली बात अगर आपकी टीचर लिखवाती है और पेपर में देती है तो ही आपको याद रखनी है, अदरवाइज तो आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। बट ये जरूर याद रखना है कि 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग है और बाकी जो है वो मैन मेड है, वो आपकी पुरानी बुक है बेटा, ठीक है, ये न्यू बुक है। अच्छा सॉरी सॉरी
मैं फिर रीड ही गलत कर रहा हूँ. सो इसके अंदर हमारे पास 92 एलिमेंट्स जो है वो आपके नेचुरली अकरिंग है एंड रेस्ट ऑफ द जो है वो आपके मैन मेड है. ठीक है, फिर इसमें आ रहा है मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड. यहाँ पे मेजॉरिटी जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सॉलिड फॉर्म में. 11 एलिमेंट्स आर इन गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. अगेन ये आपको याद रखना है कि कितने एलिमेंट्स जो है ये आपके गैशियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर का मतलब है जो हमारे इस समय सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उसको जनरली हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं. तो ये 11 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि गैशियस स्टेट में मिल जाएंगे. 2 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर, जिसमें से है मर्करी एंड ब्रोमाइन. एंड आगे क्या कह रहा है, एलिमेंट्स गैलियम सीजियम बिकम लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर. तो कह रहे हैं कि जैसे हम स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर जाते हैं तो ये जो आपके गैलियम हो गया और जो सीजियम हो गया ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ आपके पास फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे याद रख दूंगे एग्जाम के लिए. नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड कह रहे हैं अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है. ये चीज़ एक हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है. एलिमेंट क्या होता है? प्योर होता है. तो अगर एलिमेंट प्योर है तो फिर ये भी तो प्योर सब्सटेंस ही तो मिलकर बन रहा है, एलिमेंट से मिलकर तो बन रहा है, तो ये भी तो काइंड ऑफ प्योर ही होगा. और आगे क्या बोल रहे हैं, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स प्रोपोर्शन. और इसको हम केमिकली कंबाइन कर रहे हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे ये आपस में मिल रहे हैं और फिक्स प्रोपोर्शनेट में मिल रहे हैं. ये चीज आपको, ये चीज को बिल्कुल भी भूलना नहीं आपको, ये फिक्स प्रोपोर्शनेट वाली बात. यहां पे फिक्स प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि अगर वाटर को बनाने में H2O होता है यानी कि हाइड्रोजन के दो क्वांटिटी यूज होती है और ऑक्सीजन की वन, तो आपको फिर उसी प्रोपोर्शनेट के साथ चलना है. प्रोपोर्शनेट का मतलब आप रेशियो भी बोल सकते हो. तो इसके इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर के हाइड्रोजन के 4 यूनिट्स हैं तो ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, अगर हाइड्रोजन के 6 हैं तो ऑक्सीजन के 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 8 हैं तो ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, तभी ये वाटर बनेगा, वरना नहीं बनेगा. अगर हाइड्रोजन के 4 हो गए और ऑक्सीजन का ओ ही रहा, मतलब 1 ही रहा, तो फिर ये वाटर नहीं बनेगा. ठीक है, फिर ये कुछ और ही बन जाएगा. तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये फिक्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब बता रहे हैं. देन इसमें देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. कह रहे जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो ही कंपाउंड बनता है. तो यस, अभी हम पीछे भी पढ़ के आए बेटा कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तभी तो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि कंपाउंड का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे दो या दूसरे ज्यादा एलिमेंट जिससे मिलकर ये चीज़ बन रही है. तो यही तो बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स जो है जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ही यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा. फिर कह रहे हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स. अगेन वही बात यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है कि जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन होगा ना न्यू सब्सटेंस का वो हमेशा फिक्स रहेगा. जैसे कॉम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे वाटर का तो H2O, तो ये फिक्स रहेगा ऐसे ही. आप इसको H3O या H4O नहीं कर सकते हो. अगर आप करोगे तो फिर ये वाटर नहीं होगा, फिर ये कंपाउंड तो होगा बट ये वाटर नहीं होगा, फिर ये कुछ और ही होगा. ठीक है, तो ये चीज है. तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन रहेगा उस चीज का वो फिक्स रहेगा, वो ही रहेगा. द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी. और जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बन के आ रहा है ना और जिससे ये बना है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होगी. जैसे कि यहाँ पे देखो वाटर है, वाटर किससे बन रहा है? वाटर बन रहा है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये दोनों ही गैशियस नेचर के होते हैं या गैशियस फॉर्म में होते हैं, जबकि वाटर जो है ये तो लिक्विड फॉर्म का है. तो प्रॉपर्टी चेंज होगी ना इसकी, कि बनने से पहले ये क्या थे? गैस थे, बनने के बाद ये क्या है? लिक्विड. तो प्रॉपर्टी बदल गई, यही तो वो बोल रहे हैं. इसको समझो, दोबारा से अंडरस्टैंड करो. कह रहे था न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी. जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है ना उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होने वाली है. किससे? इनके एलिमेंट से जिनसे ये बन रहे हैं. तो एलिमेंट यहाँ पे क्या है? पानी के उसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है, जबकि वाटर क्या है? लिक्विड है. ये चीज आपको बता रहे हैं. और फिर क्या कह रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. और अगर हमें वाटर में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करना है तो उसका एक ही तरीका है, मतलब एक यानी कि एक तरीका है, या तो केमिकल रिएक्शन कर लो या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल. इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है कि उसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दो, करंट को पास करवा दो, तो ही यहाँ पे ये ब्रेक हो सकता है. अदरवाइज